नानक मत्ता में 28 मार्च को डेरा कर सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या में शामिल चार लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मुख्य दो आरोपी जिनके द्वारा हत्या की गई वह अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। एसएसपी उधम सिंह नगर मंजुनाथ टीसी ने बताया कि हत्याकांड के खुलासे के लिए गठित टीमों द्वारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में दबिश दी जा रही है। वहीं सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों के सहयोगियों को पकड़ने में पुलिस टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें घटना में शामिल उन्होंने आरोपियों को शरण दी और घटना को अंजाम देने के दौरान स्थानीय डेरा सेवादार जिसके द्वारा आरोपियों को बाबा तरसेम सिंह के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। साथ ही तीन अन्य आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। वहीं मुख्य दोनों आरोपियों पर एक एक लाख का इनाम घोषित किया गया है। पकड़े गए आरोपी उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर तथा पीलीभीत जिले के हैं। सभी आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड है। मुख्य आरोपी जिन्होंने घटना को अंजाम दिया वह पंजाब के सर्वजीत सिंह और अमरजीत सिंह हैं, जिन पर लगभग 15 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो सीसीटीवी एविडेंस के आधार पर, मतलब अभी तक तो तहरीर के आधार पर था, अभी सीसीटीवी एविडेंस, कैमरा के एविडेंस और तकनीकी एविडेंस में क्लियर हो गया कि ये जो शूटर है उसमें से एक है सरबजीत सिंह, पुत्र सरूप सिंह, निवासी तरन तरन पंजाब है, और दूसरा शूटर है आपका अमरजीत उर्फ बिट्टू गांडा, अमरजीत उर्फ बिट्टू गांडा है। ये जो है फतेहगढ़ चुड़िया रोड थाना कम्बो जिला अमृतसर है और उसका बहेड़ी में भी निवास है। तो कुल मिला के ये दोनों जो है बहुत ही शातिर अभियुक्त हैं। जैसा ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है वैसा नहीं है, ये बहुत शातिर अभियुक्त हैं। इनके ऊपर एक एक आदमी के ऊपर 12-14 केसेस इसके ऊपर है, एक के ऊपर 13 केसेस है, एक के ऊपर 5 केसेस है। कोई भी छोटा मोटा केस नहीं है, किडनैपिंग से लेके मर्डर से लेके NDPS से लेके लूटपाट, किडनैपिंग, 307 सारे बड़े बड़े केसेस दर्ज है। मतलब टाडा के भी केसेस लगे हैं 91 में, एक के ऊपर जो अमरजीत और बिट्टू कांडा का ऊपर। जब सरबजीत की बात करें तो बिहार और आपका बिहार से लेके अमृतसर से लेके पंजाब से लेके हर जगह पे इसके ऊपर क्राइम्स का मुकदमा है। क्राइम का तो ये सरगना है, 14-15 क्राइम्स है इसके ऊपर, बहुत बड़ी बड़ी वारदातें इसने अंजाम दिया है। तो जो रूप दिया जा रहा है, जो स्वरूप दिया जा रहा है कि ऐसे कुछ बेअदबी का प्रकरण का, ऐसा नहीं है। ये क्लियर कट क्रिमिनल से ही, क्लियर कट पेशेवर ऑर्गेनाइज क्रिमिनल से ही इनको हायर किया गया है। तो सरबजीत सिंह और ये आपका बिट्टू गांडा का मोबाइल फ़ोन का ट्रेसिंग किया हमने, तो जानकारी में आया है कि ये 19 तारीख को ही यहाँ पर आ चुके थे, 19 तारीख को ही यहाँ पर आ चुके थे दोनों शूटर, और दोनों शूटर आके यहाँ पे नानक मत्ता गुरुद्वारा में निवास कर रहे थे। इनका एक लोकल आदमी का साथी बनाया उसने, उसका नाम क्या है भाई, अमनदीप, वो उसको इन्होंने ऐसा दर्शाया कि मतलब बहला फुसला के उसको भी अपने साथ में लिया है लालच देकर। तो उसको बोला कि बाबा की मुखगिरी तुम करोगे, मतलब एग्जैक्ट डिटेल्स, दैनिक दिनचर्या बोलते हैं ना, दिनचर्या, कौन कितने बजे उठता है, क्या करता है, क्या करता है, वो सारी दिनचर्या उसने उसको पटा के अपने पगजे में ले लिया था। उसको उस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बनाकर इन दोनों शूटरों ने अमनदीप को अपने हिस्से में कॉन्स्पिरेसी में ले लिया और उससे दुनिया भर का पूरा डिटेल्स। दिनचर्या प्लीज फ़ोन ऑफ करिए, फ़ोन ऑफ करिए। तो उसका पूरा दिनचर्या जो रूटीन होता है वो इसको बाबा को रूटीन को इनको पास ऑन करने के लिए पूरा उसका साथ ले लिया। तो उसके बाद 19 से 27 तक ठीक ठाक रखी करा, बीच में दो तीन बार अलग अलग जगह जाते हैं। एक बार शहजानपुर जाते हैं अपने हैंडलर से मिलने के लिए, और कहाँ जाते हैं, एक बार बाजपुर और एक बार रामपुर जाते हैं। एक बार जाके वेपन ले आते हैं, एक बार जाके पैसा ले आते हैं, एक बार जाके कुछ और सामान, मतलब पूरा गाइडेंस लेके आते हैं। बरेली भी गए हैं बीच में, वो सारी चीज़ें सीसीटीवी में ट्रेस्ड है हमारे। तो यहाँ पर बात करूँ तो 19 तारीख के बाद जो है फिर हमें जानकारी में और आता है, 19 तारीख को तो ये यहाँ आके रुके थे। ये कॉन्स्पिरेसी काफ़ी महीने पहले से ही रचाई गई थी, चौदह तारीख को ही ये अपने हैंडलर मुख्य अभियुक्त है जो उसका नाम है दिलबाग सिंह के पास आते हैं, जो शाहजहांपुर का रहने वाला है। कौन सा जगह है वो, निगोही कस्बा तिलहर, तान्हा तिलहर, जनपद शाहजहांपुर, वहाँ आते हैं दिलबाग सिंह के पास। वहाँ सबसे पहले इसको पहला किस्त का पैसा मिलता है, इन दोनों शूटरों को पहला किस्त का पैसा मिलने के बाद उसका एक और साथी है जिसका नाम खुलना है, कितना मिलता है। तो कुल मिला के ये जो है काफ़ी बड़ा कॉन्स्पिरेसी है। ये जो है बाबा तरसेम जी को मतलब हत्या करने के पीछे वजह जो है काफ़ी इकोनॉमिक एंगल है। इसमें यहाँ का आसपास का डेरा और गुरुद्वारों के ऊपर जो है वर्चस्व जमाना और उनके ज़मीनों को, बेसिकली संसाधन जो बोलते हैं ना, संपत्ति को कब्जाना इनका एक्चुअल ऑडिट था, इनका एक्चुअल मोटिव था। इसके लिए कॉन्स्पिरेसी रचाया गया,
और रचा के इन दोनों शूटरों को काफ़ी महीने पहले हायर अप किया गया। अभी इसकी काम और भी बाकी है, बहुत सारे कॉन्स्पिरेटर्स को आइडेंटिफाई करने का काम बाकी है। एक्चुअल मोटिव कितना डीप है, कौन एक्चुअल कॉन्स्पिरेटर है, किसके कहने पर किया था, कितने लाख, मतलब वो और भी एक्टर्स और भी प्लेयर्स का हमें जानकारी कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं। फिलहाल 10 लाख रुपए का सौदा हुआ था काफ़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत, जिसमें चार लोग हैं, आपका सतनाम सिंह, बलकार सिंह और आपका प्रगट सिंह और दिलबाग सिंह, ये चारों लोग यहाँ लोकल फैसिलिटेटर बनते हैं शाहजहानपुर में। वो शूटरों को पैसा दिलाना, संसाधन दिलाना, राइफल दिलाना, गाड़ी दिलाने में काफ़ी मदद करने 14 तारीख से ही लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद 19 को यहाँ आते हैं, 19 को तो दो शूटर पूरा काम लेके आते हैं, ये अब तो मतलब पूरा लंबा रुक के करके आना काम। इसी बीच में तीन बार गए हैं, रामपुर में गए हैं, बरेली में गए हैं, सॉरी बाजपुर में गए हैं और आपका शाहजहानपुर में दो बार आते हैं। ये सारी चीज़ें हम CCTV के एविडेंस के आधार पर बोल रहे हैं, आपके सामने पुटअप भी करेंगे हम। आगे बढ़ेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पौड़ी क्षेत्र से 3 वर्षीय बच्ची के अपहरण का मामला सामने आया है। बच्ची के अपहरण की तस्वीरें CCTV कैमरे में कैद हो गई हैं, जिसमें एक व्यक्ति बच्ची को कांधे पर उठाकर ले जाता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि बच्ची के परिजन उत्तर प्रदेश के जिला संभल के मंडे गाँव के रहने वाले हैं और हरिद्वार में बच्चों के मुंडन के लिए आए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्ची की तलाश भी शुरू कर दी है। फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त धनराज गर्ग फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धनराज, क्या पूरा मामला है, ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों के आधार पर क्या कोई कार्रवाई हुई है, क्या कुछ पता लग पाया है? जी बिल्कुल, देखिए ये मामला 30 मार्च का है और लगातार जो देखा गया ये पूरा मामला जो है एक बच्ची के अपहरण का, यानी कि 3 साल की बच्ची हरिद्वार में आए थे और इसी दौरान जो परिवार था उसके उनकी 3 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया गया। और जिसमें जो CCTV फुटेज निकाली गई है उसमें एक बुजुर्ग उस बच्ची को अपने कंधे पर बिठाकर ले जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस इसकी पूरी जांच कर रही है, अलग अलग CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं। हालांकि अभी तक जो बच्ची है उसका पता नहीं लग पाया है, लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस बच्ची को सुरक्षित पकड़ बरामद कर लिया जाएगा और इसके साथ ही जो बुजुर्ग ले जाता हुआ नजर आ रहा है उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और उसके पीछे देखना होगा कि अब क्या कारण निकलता है कि आखिर बच्ची का अपहरण क्यों किया गया है, किस वजह से किया गया है, ये जांच के बाद ही पता लग पाएगा। जी तो ये परिवार क्या बाहर का ही था, बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का परिवार था जो किसी काम से वहां पहुंचे थे? जी बिल्कुल, बताया ये जा रहा है कि जो परिवार है वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और हरिद्वार में अपने बच्चे का मुंडन कराने के लिए वो आए थे, लेकिन इसी दौरान उनकी 3 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया गया, जिसकी ढूंढ में वो कहीं ना कहीं रो रो कर भी बिलख रहे थे और ढूंढ के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं पुलिस का सहारा लिया है। और अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक इस बच्ची को बरामद करती है और कब तक जो दोषी है उसको पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इधर 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा पिथौरागढ़ और विकास नगर में चुनावी रैली करने के बाद देहरादून पहुंचे, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में टिहरी लोकसभा कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें टिहरी लोकसभा के चुनाव से संबंधित पदाधिकारी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संवाद किया और जीत का मूल मंत्र दिया। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और धन सिंह रावत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत भाजपा संगठन के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने सभी कार्यकर्ताओं को उत्तराखंड के सभी बूथों पर जीत हासिल करने का टास्क दिया था, जिसे भाजपा पूरा करेगी। हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, बूथ के संयोजक हैं और बूथ के बेले हैं, इन सब लोगों का एक बड़ा कार्यक्रम हरिद्वार में है और मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने के बाद हमारे जो पिथौरागढ़ लोकसभा है, टिहरी लोकसभा है और हरिद्वार लोकसभा है, इन तीनों लोकसभाओं में आम जन से लेके कार्यकर्ता से लेके पार्टी के वर्कर से लेके पार्टी के नेता से लेके विधायक से लेके पूर्व विधायक से लेके सांसद से लेके सब लोगों में बहुत उत्साह भी है और हम 5 सीटें इस बार रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। टास्क है कि सब नेताओं का अपना बूथ जो है जिताना है और अपना बूथ जो है रिकॉर्ड मतों से जिताना है, एक ही टास्क सबको दिया जाए।
बीजेपी मीडिया सेंटर में आज केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने अपनी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से बीजेपी को समर्थन देते हुए उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर जीत को निश्चित बताया है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य हित में उन्होंने कई फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि जनता से किए गए वादे यूसीसी से सम्मान न्याय की संकल्पना को मुख्यमंत्री धामी ने साकार किया है। एक और जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों की प्रशंसा की है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पर अपने अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि एनडीए अब की बार 400 पार लेकिन कांग्रेस नहीं कर पाएगी 40 पार। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से 8 साल से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के पद पर मैं आरपीआई की तरफ से मैं एनडीए का एक पार्टनर के रूप में काम करता हूं और मैंने देखा है कि 10 सालों में जो देश प्रगति की दिशा से आगे बढ़ रहा है, भारत को जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की भूमिका रखकर, चाहे वो किसी भी जाति का, धर्म का आदमी हो, सभी को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय देने के लिए भारत को ऊंचे स्थल पर ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं और इसलिए सारे देश का दलित बहुत बड़ी संख्या में माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के विचारों पर उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में सेंट्रल हॉल में भारत के संविधान को माथा टेक कर प्रतिज्ञा की है कि संविधान का भारत में खड़ा करूंगा, भारत के हर नागरिक को न्याय देने के लिए मैं काम करता रहूंगा। और इसीलिए माननीय राहुल गांधी जी और सभी इंडिया अगाड़ी के लोग रोज बकवास करते हैं, रोज चर्चा करते हैं कि हमको लोकतंत्र बचाना है। मेरा उनको सवाल है कि भाई लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग हैं, आप अपनी पार्टी बचाओ, पार्टी बचाने का काम आपको करना है, हमारी पार्टी बढ़ाने का लोकतंत्र में आपको अधिकार है, लोगों के पास जाकर वोट मांगने का पूरा अधिकार है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को गाली देकर आपको वोट मिलने वाला नहीं है। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज रुड़की में एक कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को उत्तराखंड और केंद्र में मिलने वाली योजनाओं के बारे में अवगत कराया और उन्हें सम्मानित भी किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि देश में महिलाओं के लाभ के लिए कई योजनाएं दी जा रही हैं, जिसको लेकर उन्होंने आज तमाम योजनाओं से अवगत करवाते हुए कहा कि सभी अपनी अपनी योजनाओं का लाभ लें। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मयंक गुप्ता ने भी बताया, हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महिलाओं को देश से चलाई जा रही योजनाओं से अवगत करवाया है और उन्हें उम्मीद है कि इस बार देश में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने जा रही है और त्रिवेंद्र सिंह रावत 5 लाख मतों से जीतकर संसद तक पहुंचेंगे। तमाम वर्गों से संवाद कर रहे हैं और आज विकास की बात नारी शक्ति के साथ ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था और इसमें तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और राज्य सरकार के आशीर्वाद से कुछ ना कुछ स्वरोजगार कर रहे हैं, कोई ना कोई काम कर रही हैं। और यहाँ पर मुझे बताया गया कि कई महिलाएं ऐसी हैं कि जो अच्छी आय यहाँ पर कर रही हैं, लाखों रुपए में सालाना अपना कमाई कर रही हैं। उनसे एक संवाद और जो कई जानकारियाँ फिर भी महिलाओं को कई बार नहीं होती हैं, समूहों को नहीं होती हैं, उनकी जानकारी दी और एक तरह से हमने जो वो कर रही हैं और सरकार जो उनके लिए करना चाहती है उन सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम। सर, क्या सबसे बड़ी बात यह है कि जो कल की अवतरण की परिभाषा है, जो कलयुग के अवतार देवता होंगे वो व्यक्ति नहीं होगा, वो समूह होगा, तो आज जनता जनार्दन जो समूह है वो अपना नेतृत्व जो चुन रही है वो ईश्वर का आदेश है और आज उसी के कारण से आज देश में जो परिवर्तन दिख रहे हैं, ये देवभूमि है भारतवर्ष, यहाँ से सारी दुनिया में हमेशा धर्म का प्रचार हुआ है, सारी दुनिया में ज्ञान और विज्ञान गया है, आज फिर से भारत विश्व गुरु बनने की तरफ है और इसलिए देश ने मन बना लिया है एक बार फिर मोदी सरकार, अब की बार 400 बार और हरिद्वार 5 लाख पार।
निश्चित रूप से अभूतपूर्व परिणाम आने वाले हैं और ये मान के चलिए। प्रदेश भर में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, तमाम राजनीतिक दलों ने भी अपने चुनाव प्रचार में तेजी लाई है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जगह जगह जनसभाएं कर इन दलों के नेता अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के नैनीताल लोकसभा सीट के प्रत्याशी अजय भट्ट ने काशीपुर में सुबह से लेकर शाम तक दर्जन भर से अधिक नुक्कड़ सभाएं कर जनता से वोट मांगे हैं। काशीपुर में अपना चुनाव प्रचार शुरू करने से पूर्व मां बाल सुंदरी के दरबार में पहुंचे और जीत का आशीर्वाद भी मांगा। इस दौरान बीजेपी विधायक त्रिलोक सिंह चीमा सहित अन्य बीजेपी के नेता भी मौजूद थे। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, पहली बार ऐसा जनसैलाब आया है। कार्यकर्ता तो उत्साहित है ही है, लेकिन जनता ने ये पूरे चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है। जनता ने अपना चुनाव मानकर इस बार जो उत्साह दिखाया है और दिखा रही है जगह जगह, उससे साफ जाहिर हो रहा है जो जनता की तरफ से एक बात उठी है, अब की बार 400 पार, वो सही होते दिखाई दे रहा है। और ये जन सैलाब ये बता रहा है जो आपकी बार 5 लाख पार सीटों के लिए कह रहे हैं, वो भी इससे भी पार हो सकता है, जितना उत्साह जितना उमंग आम जनता में है और कार्यकर्ताओं में है। सांसद जी आज आए हैं और हम जनता के बीच में जा रहे हैं और ये जो चुनाव है ये वन साइडेड चुनाव लग रहा है। जनता ने मन बना लिया है कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हमारे राष्ट्र का चुनाव है और जनता ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं अपने राष्ट्र को जिताना है। और ये जीत भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ नहीं, जनता की जीत होनी है, भारत की जीत होनी है, हिंदुस्तान राष्ट्र की जीत होनी है। टिहरी लोकसभा सीट के प्रताप नगर विधानसभा की जनता तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से खफा है। यहां के लोगों का आरोप है कि टिहरी डैम के निर्माण के बाद प्रताप नगर की जनता कई परेशानियों से जूझ रही है, लेकिन उनकी इस परेशानी का समाधान करने के लिए कोई आगे नहीं आता है। इन लोगों के अनुसार डैम बनने से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। टिहरी डैम की झील बनने से प्रताप नगर आने जाने के लिए रास्ते पुल सब डूब गए हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी प्रसव पीड़ित महिलाओं को उठानी पड़ती है। कई महिलाएं प्रसव के दौरान इलाज न मिलने से मर चुकी हैं। वहीं राजनीतिक दलों ने नेताओं पर निशाना साधते हुए ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि चुनाव के दौरान तमाम दलों ने नेता उनके साथ बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद कोई भी उनकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, अब चुनाव होने लगे ना? अब चुनाव के टाइम पर आ जाओ यार, अब जब वोट मांगना तब वोट दो कट है। ये दिन है गाड़ी लगा ला तो ये दिन मैं गाड़ी में घूमता हूँ फिर, तो बाकी हम क्या काम। अच्छा, क्या चाह रहा आप लोग? ये हम इन चाह रहे कि हम सुविधा हुआ, हम गरीब लोग ने नौकरी मिलो है, अब जो सुविधा हो पुल लगू नौकरी लगू। जब चुनाव हमारा कुछ नहीं है, सब समस्या नहीं है, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है और ना हॉस्पिटल में है, पर सब के लिए कोई सुविधा नहीं है। जब तक हम वहाँ से आते पीपल डाली से, तब तक हमारे बहुत सारी समस्या गरीब पड़ जाते हैं, गाड़ी नहीं मिलती, हमारे गरीब लोगों के पास पैसे नहीं है, बुकिंग करनी पड़ती है, कोई सर्विस होती है उसमें। अच्छा, अब आपको पता होगा कि इस समय लोकसभा चुनाव चल गए हैं, प्रत्याशी उन क्या मांग करते हैं आप उन लोगों से? हम तो ये मांग करते हैं यहाँ से पुल लगाए जाए, हमारे लिए सुविधा होगी, हम जल्दी हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे, रात में किसी की तबीयत खराब होती है तो चलते चलते दम तोड़ देते हैं, यहाँ हमारे ऐसा हो गए, हमारे लिए जब से ये झील बनी जैसे काला पानी हो गया, हमारी कोई समस्या नहीं है, हमारे लिए कोई सुविधा ही नहीं है। तो जो अब इस समय जो पट्टरौली बंद हो जाती तब हम सफर से आते हैं तो कहाँ जाना है, हमने पैसे होंगे तो तभी तो रहेंगे किराए पे, और जब पैसे नहीं है, एक बार आई थी मैं ट्रॉली बंद हो गई थी तो पेपर डाले रहना पड़ा, यहाँ टिपरी में भी कोई सुविधा नहीं है कि कमरे कुमरे की, तब हम वहाँ। अच्छा, जो लोकसभा प्रत्याशी हैं इस समय चुनाव में आ गए आपके पास, वो इस समय तो मांग करेंगे कि हम कर देंगे, बाद में कोई दोबारा मिलना भी नहीं आएगा कि क्या करना है,
क्या सुविधाएं हैं, क्या समस्याएं हैं आपकी, कोई नहीं पूछता था। इधर काशीपुर के रिमाउंट हेमपुर डिपो स्कूल के परिसर में राजपूताना कॉलेज के छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदान के प्रति जागरूक करते हुए लोगों को शत प्रतिशत मतदान करने के लिए प्रेरित किया है। छात्रों ने नाटक के माध्यम से मतदान के महत्व को बताते हुए बेहतर राष्ट्र निर्माण की ओर संदेश दिया। इस दौरान राजपूताना कॉलेज की प्रधानाचार्य सविता मिश्रा ने मतदाताओं से 19 अप्रैल को मतदान केंद्र में उपस्थित होकर वोट देने के लिए अपील की है। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट सहित तमाम लोगों ने राजपूताना कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किए गए नुक्कड़ नाटक की जमकर सराहना की है। मैं डॉक्टर सविता मिश्रा, प्रधानाचार्य ऑफ राजपूताना कॉलेज, आप सभी को ये बताना चाहती हूँ, हमारे स्कूल के बच्चों को द्वारा एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बच्चे बोल रहे हैं मतदान देने का अधिकार जो है बच्चों का, लोकतंत्र महापर्व में इसका बहुत मतलब ज़्यादा उपयोग करिए सब बच्चे, और सब जितने बोलना चाहते हैं भारतवासी, जो अगर अपना अधिकार को समझेंगे, वोट दे प्रदान करेंगे, तभी देश आगे बढ़ पाएगा और हमारा भारत विकसित हो पाएगा। तो सबको यही हम बताना चाहते हैं कि इलेक्शन में 19 अप्रैल को सब अपना वोट जरूर प्रदान करें, और जो उम्मीदवार आपको समझता है वो उनके ऊपर सोच समझ के आप वोट प्रदान। वही हल्द्वानी के हरिपुर नायक मुखानी में 9 दिन से लापता एक महिला का शुरू नाले के किनारे पेड़ से लटका हुआ मिला। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर जांच शुरू की है। 45 वर्षीय तारा देवी के रूप में ये की गई है। 26 मार्च को तारा संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गई थी। गांजा में सीएनजी क्रिकेट एरेना है, ग्राउंड के पीछे एक बेल का पेड़ है, सुनसान सी जगह है, इस पर एक महिला लटकी हुई पाई गई थी। बच्चे जो खेल रहे हैं और बॉल गई होगी तो उन्होंने तब बॉडी को देखा, पुलिस को सूचना मिली, थाने की टीम भी आई है और मैंने भी अभी विजिट किया है घटनास्थल, तो बॉडी कम से कम 7-8 दिन पुरानी लग रही है। और जैसे कि थानाध्यक्ष ने बताया कि 26 तारीख को एक गुमशुदगी दर्ज थी एक महिला की, तो उस आधार पर उसके पति को बुलाया गया तो शिनाख्त हो चुकी है इसकी। नाम कुछ? हाँ, तारा देवी नाम है इसका, 47 ईयर्स ओल्ड है। अच्छा, कितने दिन पुराना? 26 तारीख से आज ये 9वां दिन है, वो सब मैच कर रहा है कि ये उसी की बॉडी। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।